दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल और संजय सिंह के एजेंडे को फेल कर दिया है। केजरीवाल और संजय सिंह जो आरोप लगा रहे थे उसकी हवा दिल्ली पुलिस ने निकाल दी है। दिल्ली पुलिस ने साफ साफ कहा है कि आप द्वारा दुष्प्रचार किया जा रहा है। दरअसल शराब घोटाले में आरोपी बनाए गए मनीष सिसोदिया को एक बार फिर कोर्ट से झटका लगा है, लेकिन इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर आप सांसद संजय सिंह और पार्टी के दूसरे नेताओं ने वीडियो शेयर किया था और आरोप लगाया था कि दिल्ली पुलिस ने मनीष सिसोदिया के साथ दुर्व्यवहार किया है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने दिल्ली की एक अदालत के अंदर मनीष सिसोदिया को गलत तरीके से पेश करने के आम आदमी पार्टी के सभी दावों को खारिज कर दिया है। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह द्वारा शेयर किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि गिरफ्तार नेता मनीष सिसोदिया को कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस द्वारा ले जाया जा रहा है। इसको लेकर ही केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा था कि क्या पुलिस को इस तरह से मनीष जी के साथ दुर्व्यवहार करने का अधिकार है? क्या पुलिस को ऐसा करने के लिए ऊपर से कहा गया है? वहीं संजय सिंह ने ट्वीट कर लिखा कि पुलिसिया गुंडागर्दी चरम पर। सिसोदिया का गर्दन पकड़ कर खींचता हुआ ये पुलिस अधिकारी अपने आका को खुश करने के चक्कर में ये भूल गया कि न्यायालय इसकी नौकरी भी ले सकता है। हालांकि सभी आरोपों को खारिज करते हुए दिल्ली पुलिस ने पलटवार करते हुए ट्वीट कर कहा कि राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के दौरान मनीष सिसोदिया के साथ पुलिस के दुर्व्यवहार की बात दुष्प्रचार है। वीडियो में प्रचारित पुलिस की प्रतिक्रिया सुरक्षा की दृष्टि से जरूरी थी। न्यायिक हिरासत में आरोपी द्वारा मीडिया को बयान जारी करना कानून के खिलाफ है। इससे पहले दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि 1 जून तक बढ़ा दी थी। आपको बता दें कि कोर्ट में पेशी के दौरान मनीष सिसोदिया मीडिया को बयान दे रहे थे। जब सिसोदिया को अदालत कक्ष से बाहर लाया जा रहा था तब उन्होंने दिल्ली के सेवाओं के मामले पर केंद्र के अध्यादेश पर एक विधेयक लाए जाने के संदर्भ में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस ने साफ साफ कहा है कि न्यायिक हिरासत में आरोपी द्वारा मीडिया को बयान जारी करना कानून के खिलाफ है। लेकिन केजरीवाल और संजय सिंह ये नहीं कहेंगे कि सिसोदिया कानून के खिलाफ जाकर बयान दे रहे थे, लेकिन कानून के मुताबिक पुलिस ने बयान देने से रोका तो इस पर सियासी रोटी सेकने लगे। हालांकि दिल्ली पुलिस ने पलटवार कर आम आदमी पार्टी के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।